करत्रो, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आज आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही गुणकारी है। आप देख सकते हैं इधर ये झाड़ के रूप में है और बहुत ही गुणकारी है। हमारे गांव में एक खेत में बोया हुआ है जो बहुत ही अच्छी होती है, जिसको हम कैमोमाइल बोलते हैं। कैमोमाइल की खेती अब लोग करने लगे हैं, जबकि विदेशी प्रजातियों में आती है। भारत में दो प्रकार की कैमोमाइल बोई जाती है, एक जर्मन कैमोमाइल, एक रोमन कैमोमाइल। इसकी फैमिली एस्टेरेसी है, एस्टेरेसी इसकी फैमिली है। आप देख सकते हैं ये झाड़ के रूप में है और इनके फूल को तोड़ के यूज किया जाता है। इसको तोड़ा जाता है, ऐसे ऐसे तोड़ करके इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसकी चाय बना के पी जाती है। इसको हम विदेशी चाय भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम मेटिकेरिया चैमोमिला है। इसको कैमोमाइल के नाम से जानते हैं। बहुत ही गुणकारी है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सी बीमारियों में काम आती है। कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तनाव को ठीक करती है। सबसे खास बात है ये कैमोमिला, जिस व्यक्ति को तनाव है, नींद नहीं आती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ये चाय उसके लिए बहुत ही रामबाण है। ये वज़न कम करने का भी काम करती है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये वज़न भी कम करती है, रक्त को भी पतला करती है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो भी आप मोटापा जिनको रहता है उनका कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, मोटापा कम करने में ये औषधि बहुत गुणकारी है। मधुमेह के लिए बहुत अच्छी है और झुर्रियाँ जिनके चेहरे पर पड़ जाती हैं, झुर्रियों को भी ठीक करती है, तनाव को भी ठीक करती है, इंसोमनिया को भी ठीक करती है, मसल्स स्पाज्म, अगर मसल्स में ऐठन है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और हिमोराइड्स हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका तेल और फूल का जो चाय बनता है बहुत ही गुणकारी है। होम्योपैथ में कैमोमिला 30 और कैमोमिला 200 पावर में दवाइयाँ इससे बनती हैं। मदर टिंचर बनाया जाता है इसका, और इसके साथ साथ इसका तेल भी निकाला जाता है। ये बच्चों के दांत संबंधी बीमारियों में बहुत उपयोगी है, पेट संबंधी बीमारियों में बहुत उपयोगी है। आप किसी स्त्री को अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो या येलो डिस्चार्ज हो रहा है वजाइना से, तब भी आप अगर इसके मदर टिंचर के इसके चाय को यूज करते हैं तो हर प्रकार की पेट संबंधी समस्या, अल्सर संबंधी समस्या, सूजन संबंधी समस्या, हे फीवर संबंधी समस्या दूर हो सकती है। यह फीवर के लिए बहुत बेस्ट काम करता है, जिसको हम हे फीवर कहते हैं। हे फीवर में बहुत अच्छा काम करता है। पेट के क्रैम्प को, ऐंठन को बहुत ही गुणकारी होता है, जो ठीक करता है पूरी तरीके से इसकी चाय। आप इसके मदर टिंचर को होम्योपैथ में भी ले सकते हैं, डाल्यूशन फार्म में 30 और 200 पावर में भी ले सकते हैं। जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो, सोने में प्रॉब्लम होती हो, नींद नहीं लगती हो, निद्रा रहता हो, उसके लिए बहुत गुणकारी है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। आप इसे विदेशी चाय के नाम से जानते हैं। इसको भारत में दो प्रजातियां, ये भारत का पौधा नहीं है, विदेशों से ला करके अपने खेतों में किसान इसे उगाते हैं। इसको जर्मन कैमोमिला बोलते हैं, रोमन कैमोमिला बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारे ऐसे अच्छे तत्व हैं। फैटी एसिड है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। आप इसको घर पे लाएं, आप इसको मंगा भी सकते हैं, इसकी आप खेती भी कर सकते हैं। इन फ्लावर्स को तोड़ना है, तोड़ करके धूप में सुखा लेना, अगली बार बेहन डाल करके आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। सुखाने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। हमारे गाँव में एक छोटा सा अभी किसान लोग इसे उगाना शुरू किए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक है ये। इसकी रोज़ सुबह सुबह इस फ्लावर को तोड़ा जाता है। ये बहुत ही गुणकारी है। एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करने वाला कैमोमाइल आपके बहुत से रोगों के लिए लाभदायक है। आप इसको लाएं, उगाएं और इसका सेवन करें। धन्यवाद। नमस्कार।